ये गुस्सा हो गया है, इसको हम लोग डांस करते टाइम में इसको भगा दिए थे, वॉट स्टॉप करता है। सो हेलो गाइस, दिस इज शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है दिव्या। हाय, मैं इसकी मासी हूँ, ये मेरी भतीजी है, वैसे लगता नहीं है। तो आज हम लोग ब्लॉग करने वाले हैं। तो मैं आज हम लोग मार्केट गए थे, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सामान खरीद के आए हैं और उसमें से कुछ मिला भी नहीं हमें, लेकिन जो मिला वो मैं आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सो ब्लॉग को पूरा देखिए कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं मैंने, वो भी एकदम इफ़ेक्टिव है। कुछ नया भी मैंने इसमें ख़रीदा है, मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है। और दिव्या तुम भी कुछ बोलो और क्या बोलो, आप लोग प्रोडक्ट देखिए। ये सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा फेवरेट एक्ने स्टार है, जो कि मैं हमेशा नाइट को यूज़ करती हूँ। गाइज मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं अपने दी के घर आई हूँ, मैं अपने घर नहीं हूँ, मैं यहाँ से दिवाली के टाइम जाऊँगी, दिवाली के 2 दिन पहले। तो मैं अभी यहाँ मैं 2 महीना रहूँगी, तो मैं अपना एक्ने स्टार था बट मैं अपना पर्स में रखना भूल गई थी, तो मुझे यहाँ पे एक्ने स्टार खरीदना पड़ा। तो ये देखिए एक्ने स्टार, इसका वीडियो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे, आप लोगों को मतलब अपने चैनल पे मैंने डाल रखा है इसका वीडियो पूरा डिटेल में, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो ये बहुत ही अच्छा क्रीम है गाइस। गाइस मैं इसे यूज़ करती हूँ ना एक ही टाइम, तो मतलब मेरी गाल पे एकदम पिंपल नहीं दिखता है, आप लोग देख सकते हो। और दिव्या से भी पूछ सकते हो अगर मैं झूठ बोलूँ तो बताओ। जी गाइस ये सच है। और कुछ बोलो। और ऐसा कोई भी मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए, वैसा प्रोडक्ट मेरी मशीन नहीं बताया। ये मेरी साइड नहीं ले रही है लेकिन सही बता रही है। ये है रोज वाटर, ये तो डेली यूज करना चाहिए। और इसको मैं दिव्या किस चीज में यूज करती हूँ, वो चंदन का लेप बनाती है उसमें यूज, टोनर में यूज करती हूँ। और कभी कभी गर्मी का दिन है तो मुल्तानी मिट्टी में, हाँ वही मुल्तानी मिट्टी को, आपके पास जो भी पाउडर वाला पैक हो उसमें डाल के आप लगा सकते हो। तो ये मैं टोनर में इसे यूज़ करती हूँ। मैंने आप लोगों को इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि ये इसमें कोई भी कलर नहीं है रोज़ वाटर में। तो आप लोग अगर टीनेजर हो, मैंने दिव्या को भी सजेस्ट किया है कि आप लोग टीनेजर हो तो आप लोग रोज़ वाटर ही स्प्रे मतलब टोनर के रूप में यूज़ किया करो, क्योंकि कलर वाले जो टोनर होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। मैंने इसके लिए इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अभी मैं आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब दिव्या बोलेगी, बताओ दिव्या मैंने ये क्यों खरीदा और ये क्या है, चलो बताओ। ये तो हर्बल है ना, कलर तेज बोलो, मेहंदी है, ये बाल में लगाने वाला, ब्राउन कर देगा नेचुरल। गाइस मैंने कुछ अलग सा सोचा है कि मैंने अपने बालों को थोड़ा ब्राउन कुछ अलग सा कलर दूँ, तो मुझे ये देख के डर लग रहा है। इसका पैकेट ही आप देख सकते हो, सॉफ्ट एंड सिल्की, मीरा का मेहंदी है, हर्बल हीना हेयर कलर है, और बट इस पर लिखा है नेचुरल ब्राउन कलर। और इसका पैकेट देख के मुझे डर लग रहा है कि ऐसा अगर मेरा बाल हो गया तो माय गॉड पता नहीं क्या होगा। तो मैं इसका भी रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर इसका मैं पैक लगाऊँगी बना के, और कैसा कलर देता है ये मुझे, तो मैं ये आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी, आप लोग तो जानते ही हो। ज़्यादा डार्क लाल नहीं करता। तो मैंने इसका 3 पैकेट खरीदा है, मेरे बालों में कितना लगेगा मेरे बालों की लेंथ के अनुसार देख सकते हो आप लोग, तो तीनों मैं लगा लूँगी बहुत ही अच्छे से कि कहीं ब्लैक ना हो जाए। मुझे पूरा अपने हेयर को एक कलर देना है बस। और दिस इज लास्ट चिंकी पिंकी टूनी मुनी सा हेयर क्लिप्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम नहीं पता मुझे अब तक, इसको क्या बोलते हैं, क्लिपिंग बोर्ड,
क्लिप वगैरह कुछ बोलते होंगे ऐसा कुछ, तो इसे मैं अपने वीडियो में अलग अलग हेयर स्टाइल भी आप लोगों को सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मैं वो शेयर करूंगी तो इसके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइस ख़त्म, इतना ही मैंने सामान लिया है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। और इसका मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देखो मेरे चैनल पे। और जो हीना पाउडर मेहंदी पाउडर था बालों वाला, तो मैं उसको जब लगाऊंगी यूज़ करूंगी तो आप लोग को मैं शेयर करूंगी कि वो कैसा कलर देता है। तो तब तक गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, और वीडियो पसंद आई हो मेरे प्रोडक्ट तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। गाइस मैं ये बता दूँ आप लोगों को सबसे पहले कि दिव्या का भी डांस चैनल मैंने ओपन किया है यूट्यूब पे, जिसका नाम है दिव्या सोनी। और कुछ बताओ अपने डांस चैनल के बारे में। मेरा चैनल दिव्या सोनी से ही स्टार्ट होता है एंड मैंने उस पर कुसु डांस और डांस मेरी रानी ये दोनों डाला है, और इसकी डांसिंग अभी तो न्यू स्टार्ट हुआ है। डांसिंग स्टेप्स बहुत ही अच्छे होते हैं गाइस, अगर आप लोग डांस सीखना चाहो या फिर आपके रिलेटिव में किसी को डांस करना हो फेयरवेल पार्टी में, मतलब कोई भी पार्टी में, तो इसकी डांस मूव्स ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो मैंने दी से बोला कि दी इसका डांसिंग चैनल खोल दो, ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो इसके यूट्यूब पे मैंने दो वीडियो अपलोड किया है और जल्द ही एक और नया वीडियो आने वाला है। तो मेरे भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके डांस पे। और क्या फर्स्ट ब्लॉग है मेरे साथ मौसिका, आई एम नर्वस सही है। अभी लोग कहाँ है? घर में, घर में। तो आज हम लोग इसका, आज संडे है तो इसकी स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए हम लोग ने ब्लॉग शूट किया, मार्केटिंग किया। अब इसका सोच रहे हैं हम लोग डांसिंग वीडियो एक दो शूट कर लें ताकि इसका भी हफ्ते में तो एक बार छुट्टी मिलता है तो ये भी काम कर ले, तो इसका भी डांसिंग शूट कर लिया जाए हम लोग, तो इसका भी अपलोड कर दूँगी। हफ्ते में दो वीडियो अपलोड करना चाहिए, सो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग इसकी डांस को ज़रूर देखना, इसका डांस क्या बोलते हैं दिव्या नहीं, इसकी चैनल का लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारा प्यार देना इसको और मुझे भी। सो थैंक यू गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करो, हम लोग आपसे ही मोटिवेट होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ लाएंगे। सो वो पागल आ गई, वो पागल है, वो सिर्फ हम लोग को चिढ़ाती रहती है और उसका कोई काम नहीं है, घोड़े जैसा हीन आती रहती है। तो आ गई हम लोग को वीडियो खराब करने। सो गाइस दिव्या चली गई है रेडी होने और ये है मेरी दी का बाबू है, बहुत शैतान है। हेलो करो, हेलो गाइस बोलो। और हेलो गाइस, देखिए मेरी दीदी ने क्या किया, इसका एग्जाम आने वाला है तो ये पढ़ाई कर रही है। मेरी बहन ने दिया है, मोना ने, बहुत क्यूट दिया। सो दिव्या, अब मैं दिव्या का वीडियो शूट करूंगी, उसके डांस का वीडियो। तो दिव्या गई है रेडी होने और रेडी हो ही गई होगी, तो उसका डांस हम लोग शूट पे उसका डांस कराने वाले हैं। हाँ मैं उसकी मौसी, वो तो सब जानते हो कि मेरी दी का लड़का है, तो मैं भूल गई क्या। हाँ ठीक है, मैं भाई भूल गई हूँ, ये इसकी मैं मौसी हूँ, ये मेरा भतीजा है। और दिव्या गई है तैयार होने, दिव्या तैयार हो गई है, दिव्या आओ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिव्या तैयार हो गई है।
गाइस दिव्या डांस करने के लिए रेडी हो गई है। अब हम लोग इसका डांस शूट करेंगे। आप लोग इसका ड्रेस देखो और पीछे चलो दिव्या। इसका डांस ड्रेस बहुत ही प्रीटी लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। सो अब मैं इसका वीडियो शूट करूंगी। तो मुझे ये ब्लॉग अब रखना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने वीडियो से सॉन्ग प्ले करूंगी और दी के मोबाइल से वीडियो शूट होगा। सो मैं आपको मिलती हूँ उसके डांस शूट करने के बाद। और मैं अपने चैनल पे इसका डांस का लिंक अगर आएगा तो आपको शेयर करूँगी। आप लोग इसका डांस चेक करते हैं, बहुत ही मस्त डांस कर दिए गाइस। सो टू बी कंटिन्यू, अभी आती हूँ। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं ऊपर दिव्या का वीडियो शूट करने। तो आपको मैं दीदी का थोड़ा घर भी दिखा देती हूँ। यहाँ हम लोग दिव्या का डांस शूट करेंगे, बहुत ही अच्छा जगह है। अपने से ही दिव्या मेहनत कर रही है। ये दिव्या का यहाँ डांस फ्लोर है, डांस करेगी। डांस फ्लोर पे गाइस मैं इतना अच्छे से इसका वीडियो एडिट करता, डांस वीडियो मैं इतना अच्छे से एडिट करती हूँ ना कि इसका डांस देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग जाके देखो और बताना कैसा लगता है। तो मुझे अब रखना होगा, इसका डांस स्टार्ट होने वाला है क्योंकि नींद भी आ जाएगा हमको। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना है सब। इसको थोड़ा गाइड कर दूँ। Two hours later. So guys, हम लोगों का इसका डांस रेडी हो गया है। और एक सॉन्ग पे मैंने भी डांस किया है और इसका डांस वीडियो हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, थोड़ा कर दो दिव्या। वाओ सुपर, बहुत ही अच्छा है कपड़ा। गाइस स्पीकर पे हम लोगों ने सोचा किया जाए, स्पीकर ही खराब था, ये पड़ा वो स्पीकर, स्पीकर खराब था, माइंड डिस्टर्ब हो गया, बंद करो। तो बहुत ही थक गए हैं, बहुत ही गर्मी हो रहा है। आप लोग तो जानते हो डांस होने के बाद कितना गर्मी होता है। सो हैंड भी दर्द कर रहे, मोबाइल नहीं उठाया जा रहा है। बाबू तुम क्या कर रहे हो? ये गुस्सा हो गया है, इसको हम लोग डांस करते टाइम इसको भगा दिए थे, वो डिस्टर्ब करता है। सो बाय बाय गाइस, बाय बाय। होप यू आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मैंने 50 बार बोल दिया होगा। सो वो अपना डांस वीडियो देख रही है, देन मैं उसको एडिटिंग सिखाती हूँ, कैसे कैसे थंबनेल लगाना अभी उसको सिखाना है। और उसका डांस आप लोग ज़रूर देखना, बहुत अच्छा डांस करती है। सो बाय बाय।